माननीय स्वास्थ्य मंत्री पटना सरकार राव नरेंद्र सिंह जी, मेरे पूज्य पिताजी रोहतक से आए, गुड़गांव से आए हुए सारे डॉक्टर्स, गांव के सारे बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और इतने सारे लोगों की भीड़ देख के लगता है कि साथ मुझे भी सभी लोग एक बार कहने पे यहाँ पे उपस्थित हुए, मैं सबका आभारी हूँ। आरवी अस्पताल गुड़गांव स्थित 100 बेड का एक आधुनिक अस्पताल है। गांव नांगल कालिया में जन्मे डॉक्टर विक्रम यादव ने इस अस्पताल की नींव सन 2009 में रखी थी और 2010 में अस्पताल बन करके तैयार हो गया था। अभी तक अस्पताल का निर्माण कार्य जारी था। हाल ही में अस्पताल में अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक आईसीयू और तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। जो लोग नहीं जानते, गुड़गांव आज की तारीख में हिंदुस्तान या विश्व के मानचित्र पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। उसी गुड़गांव शहर में गांव नांगल कालिया के डॉक्टर विक्रम यादव ने अपनी लगन, मेहनत, अथक प्रयास, गरीबों के लिए हमदर्दी से एक ऐसा नाम पिछले 10 सालों में स्थापित किया है कि आज जिस शहर में डॉक्टर नरेश प्रेहान जैसे लोग मौजूद हैं, उस गांव में शल्य चिकित्सा और कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम का कोई सानी नहीं है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं इस परिवार को, राव हंसराम साहब को खासतौर से, जिन्होंने इतना बढ़िया भाई डॉक्टर विक्रम जी जैसे एक अजीज को पैदा किया घर में, इस इलाके की शान के रूप में अच्छी पढ़ाई पढ़ के और आज वो एक ऊंचे, मैं समझता हूँ, पद पर पहुँचते हुए न केवल सरकारी सर्विस के माध्यम से अपितु निजी संस्था के माध्यम से, कि उन्होंने जो आज सेवा की, गुड़गांव के अंदर जो नाम कमाया, न केवल स्वयं का बल्कि अपने इलाके का, गांव का, नारनौल का, जिला महेंद्रगढ़ का, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इसी मेहनत का परिणाम था कि आज गुड़गांव में किसी को भी जनरल सर्जरी या कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में कोई भी कार्य करना होता है, एक बार डॉक्टर विक्रम की राय लिए बिना नहीं करते। गुड़गांव के अगर हम बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर साहिबान हैं, लेकिन जहाँ अगर हम उनकी चर्चा करें तो उसमें डॉक्टर विक्रम जी का नाम भी बहुत ही सम्मान के साथ और एक अच्छे, न केवल डॉक्टर अपितु समाज सेवी के रूप में लेते हैं। तो ये इनकी एक भावना है कि हर वर्ष गांव में आकर के आज के दिन स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करना, फ्री सलाह देना, फ्री मेडिसिंस देना और अपने घर से, अपनी धरती से, अपने गांव से एक अटैचमेंट जो रखी हुई है, ये एक अच्छी भावना दर्शाती है सही मायने के अंदर, कि आदमी के दिल के अंदर दर्द है कि मैं अपने इलाके के प्रति कुछ करूं, इसलिए इनकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। गांव के सरपंच श्री धर्मेंद्र जी से कि वो आए और डॉक्टर विक्रम यादव को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री जयराम, बालिकाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे,
वहाँ पे आपको सारे क्लिप लेके इकट्ठा करके रख रहे विजय भाई मेरे के करना वो उसको बाटो केक बटते सी उसमें है कन्या पेड़